Welcome to my online class. This is Dr. Muhammad Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Ram Lakhan Singh Yadav College, Ranchi. My dear students, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो BCA में जो कोर्स है कोर टू दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर उसका एक टॉपिक है उस पेपर का टॉपिक है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स. हम लोगों ने अब तक ये सीखा, ये जाना कि कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है और प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है. ठीक है, तो कंप्यूटर जो भी आउटपुट देता है तो उसके साथ उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी कॉम्बिनेशन से हमें आउटपुट मिलता है और उसकी ऑब्जेक्टिव्स हमें मिलती है. ठीक है, चाहे उसमें हम इनपुट की बात करें, इनपुट डिवाइसेस की बात करें, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, या फिर मेमोरी की बात करें, CPU की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, या फिर फिज़िकल कंपोनेंट की बात करें, ये तमाम चीज़ जो है आपस में कंबाइन करके फिर हमें क्या देती है, एक आउटपुट देती है. ठीक है, तो आज के हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, या आप कह सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. कंप्यूटर में ये जो है ये कंपोनेंट, कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, या फिर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स. ठीक है, तो आप जो है अब आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर शुरू होगा वो नंबर सिस्टम शुरू होगा. आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिखा दें डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ इनपुट. अब हम इनपुट डालेंगे कंप्यूटर में, दैट मीन्स अब हम डेटा को डालेंगे. अब डेटा को किसके माध्यम से डालेंगे, डेटा को किस चीज़ से डालेंगे, तो जिस माध्यम से डालते हैं, जिस डिवाइस से हम डेटा को डालेंगे कंप्यूटर में, प्रोसेसर में, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं. ठीक है, तो ये आप देखें इनपुट के डेफिनेशन हमने लिखे, इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड डेटा और इन्फॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस. यानी इनपुट डिवाइसेस क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन या डेटा को सेंड करेगा, कहाँ, कंप्यूटर में करेगा या फिर दूसरे डिवाइसेस में करेगा. ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लें कि जो भी हम डेटा को इनपुट करेंगे जिस डिवाइस के माध्यम से उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे अभी आज के लेक्चर में, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की मैंने कुछ लिस्ट आपके सामने यहाँ पे लिखी है, आप वन बाई वन करके देखें. सबसे पहला है कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के मीडियम से हम क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं डेटा को, डेटा डालते हैं किसमें, कंप्यूटर में डालते हैं. ठीक है, तो इन आपने कीबोर्ड ज़रूर देखा होगा, कीबोर्ड एक फिजिकल डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में. तो इस तरीके से कीबोर्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है. तो कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं. ठीक है, की के ज़रिए से. चलें, तो दूसरा क्या है, माउस है. माउस भी आपने देखा होगा, माउस के थ्रू भी हम माउस को मूव करते हैं, माउस से जो है आइकन को ड्रैग करते हैं, माउस से भी हम इवेंट को, एक्शन को इनपुट करते हैं. ठीक है, उसके बाद है थर्ड में माइक्रोफोन है. अब जिसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये भी एक तरह ये माइक्रोफोन है, यानी मेरी वॉइस को ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है और कंप्यूटर में ये डाल रही है, मेरी वॉइस को इनपुट कर रही है, कंप्यूटर में कर रही है. ठीक है, उसके बाद वेबकैम भी आप देखते हो, वेबकैम के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना जो फेस है या पिक्चर है वो कहाँ डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं. ठीक है, यानी कि हमारा पिक्चर जो है, हाँ, हमारी इमेज जो है वो कंप्यूटर में जाती है और फिर उससे फिर दूसरे जगह जाती है, फिर जो है लोग उसको देखते हैं. ठीक है, तो वेबकैम भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है. उसके बाद ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी एक तरह का जो कर्सर कंट्रोल करने का डिवाइस होता है उसको हम ट्रैक बॉल कहते हैं. ठीक है, उसके बाद है टच पैड, टच पैड आपने देखा अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वहाँ पर टच करते हैं, अपनी फिंगर से मूव करते हैं, तो टच पैड है. ठीक है, उसके बाद जॉयस्टिक है, जनरली ये गेम प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ वीडियो गेम खेले जाते हैं वहाँ पे इस तरीके से इससे इस इनपुट डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनर, स्कैनर भी एक फिजिकल इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हार्ड कॉपी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं या पिक्चर होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और फिर उसको हम कहाँ डालते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में उसको हम इनपुट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कैनर. ठीक है, आजकल स्कैनर और प्रिंटर एक ही साथ आती है, दोनों काम हो जाता है उसी में. उसके बाद क्या है, OMR, दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर. ये क्या करता है, जो OMR शीट से आप लोग एग्ज़ाम कभी दिए हैं या देंगे तो उसमें जो टिक होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसको रीड करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है. फिर OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ये जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको क्या करता है, उसको रीड करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को क्या करता है, रीड करता है. ठीक है,
उसके बाद MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि जनरली बैंक में यूज़ किया जाता है चेक में जो भी इंफॉर्मेशन उसको स्कैन करने के लिए। इसके अलावा बारकोड रीडर भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, और हर एक डिवाइस का हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। अब ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से कि इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं, हम इनपुट डिवाइस से डेटा को हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। बात समझ में आ गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस की तरफ। ओके, बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब जिसमें हमें आउटपुट डिस्प्ले होता है, जिससे हम आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। जैसे जिस तरीके से हम इनपुट डिवाइस से डेटा को डालते थे और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जिसमें डिस्प्ले करे उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। डेफिनेशन देखें, अ डिवाइस दैट कैन रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर और अनदर डिवाइस, यानी कि ऐसा डिवाइस जो रिसीव करता है डेटा किसी भी डिवाइस से, एंड क्रिएट आउटपुट विद डेटा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और क्या बनाता है प्रोसेस करके, वो आउटपुट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, तो इसको हम पहले रेस कर दें और एक दो तीन एग्जांपल्स हम आउटपुट डिवाइस के देख सकते हैं। सबसे टॉप में जो हमारे पास मॉनिटर है, ठीक है ना, हमारे पास सबसे टॉप में क्या है, मॉनिटर है। तो मॉनिटर आपने देखा होगा, मॉनिटर जो होता है, एक मॉनिटर जो बड़ा वाला होता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। उसके बाद CRT मॉनिटर होता है, उसके बाद जो है LCD मॉनिटर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है आउटपुट में स्पीकर भी हो सकता है, स्पीकर भी है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, साउंड मिलता है, साउंड इसमें हमें आउटपुट मिलता है स्पीकर। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसको प्रोजेक्टर भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना, प्रोजेक्टर। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर, और क्या हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है ये आउटपुट डिवाइस, इसमें हमें डिस्प्ले मिलता है, स्पीकर में हमें साउंड मिलता है आउटपुट, प्रोजेक्टर जो है ये भी एक तरह का डिस्प्ले होता है लेकिन बड़े बड़े पैमाने पे होता है, इसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं, ठीक है। और प्रिंटर जो होता है, जिससे हम हार्ड कॉपी जिससे हमें मिलता है उसको हमें क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये थी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस।